हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी थोड़ी देर पहले फजर की नमाज पढ़ी थी, अभी जाते हैं ईद की नमाज पढ़ने। अभी लेट हो रहे हैं, अभी जल्दी जल्दी निकलते हैं। उसके बाद फरमाते हैं वो रकात मुकम्मल हो जाएगी और उसके बाद गाइस मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। सभी ईद की नमाज पढ़ के आ गए, अभी कपड़े चेंज करेंगे और जल्दी जल्दी जाते हैं कुर्बानी करने। गाइस अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े शपड़े बदला के अभी जा रहे हैं नीचे घर, और अभी गाड़ी वगैरह में सामान डाल रहे हैं, चूड़ियाँ वगैरह, और निकलते हैं घर की तरफ। मायरा मेरी भी हमारे साथ जाएंगी क्योंकि घर में अकेले होगी, हमारा टाइम अपने नीचे वाले घर में ज़्यादा लगेगा। सो अभी मायरा मेरी भी आ गई, जाते हैं जस्ट गाड़ी में बैठते हैं। गाइस बस पहुँच के अपने नीचे घर, सभी जल्दी जल्दी जा रहे हैं, कुर्बानी करेंगे। गोश्त बना रहे और ये गोश्त बनाएंगे भी है भैया। गाइस अभी ये गोश्त वगैरह पक गए, अभी ये खाते। तो गाइस अभी गोश्त वगैरह ढल के छापरों वगैरह में अभी जो बांटने का है अभी बांट रहे हैं, और ये कुछ स्टोर में अपने देने स्टाफ को, ये भी उनको देते हैं, और वहाँ से साइकिल भी लाते हैं अपनी, और फिर जाते नीचे घर। और भी कुछ दो तीन काम है घर में, वो निपटा के फिर आते। सब देख सकते हैं रोड वगैरह खाली है आज क्योंकि ईद है, और अभी हमारा घर आने वाला है, उसे गोश्त बस पहले देते। सो गाइस अभी जो साइकिल ले अभी निकलते नीचे घर की तरफ। सो गाइस नीचे वाले घर से हम आ गए थे, मैं बहुत थका हुआ था, काम शाम किए और फिर इधर आ गए थे, खाना शाना खा के सो गया था मैं, और अभी जाना है गाँव बफा। सो अभी जल्दी जल्दी तैयार होते हैं और निकलते हैं फिर। सो गाइस अभी जस्ट तैयार हो गया हूँ मैं, अभी बस गाड़ी निकालती है गैराज से और निकलते हैं बफा। सो गाइस अभी जस्ट बफा पहुँच गए, अभी चले यहाँ पे जाएंगे और उसके बाद वापस करेंगे। सो गाइस इस टाइम मैं कब्रिस्तान से जा रहा हूँ, आपको मेरे चेहरे पे सही नहीं नजर आ रहा होगा, और अभी यहाँ से जा रहा हूँ, काफ़ी डर भी लग रहा है। अभी जाते हैं, आप देख सकते हैं इधर तो लाइट से अभी बस्ते करने वाली जियो जियो जी जियो। गाइस रात को बफा से आ गया था क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। सो अभी आज घर में हूँ, अभी रेडी हो चुका हूँ मैं, अभी जाते बफा क्योंकि आज चाचू लोगों की कुर्बानी है। सो अभी जस्ट निकलते हैं, अभी जस्ट बाहर आ के निकलते हैं। अभी गाइस अभी बफा पहुँचे हुए हैं हम, खप के बहुत टाइम हो गया, कुछ लोगों के साथ गपशप लगा रहे हैं। बाकी चश्मे तो आपको पता ही असलात है, तो ब्रांड की चीज़ ही होगी ना, हाँ ना, ब्रांड ही होगी ना, आपको पता है लोकल चीज़ असलात पहनते नहीं। और अभी थोड़े से यहाँ पे कस्टमर के साथ गैदरिंग शेदरिंग करेंगे, और उसके बाद भी आगे पता नहीं क्या करेंगे और फिर घर को निकलेंगे। सो गाइस अभी चाचू के घर गए थे, थोड़ा सा खाना वहाँ पे खाए। आज बारबेक्यू पार्टी आपको जिसको पता है, वहाँ पे भी कम ही खाए खाना, और अभी जो सामान वगैरह आ रहे हैं और अभी करते हैं आगे बारबेक्यू पार्टी। गोश्त वगैरह तैयार हो रहे हैं और अभी बस जल्दी जल्दी तैयार करो, सीखों पे लगाते हैं बनाते हैं। गाइस अभी सेटअप वगैरह तैयार हो गया, सीट वगैरह लगा ली, अभी आग शाग लगा रहे हैं और गर्म शोर रखते हैं बना रहे हैं। यहाँ पे आग लगी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सीट वगैरह यहाँ पे रेडी हो चुकी है। ऐसे अभी जैसे आग बल्कि कोयल हमारे पास इतनी है, जल्दी जल्दी इसके ऊपर सीख लगाते हैं, 5-6 बनेंगे तकरीबन। रेडी होगी, अभी खा रहा हूँ जल्दी जल्दी, कसम से अलग लगी क्योंकि सारा वही खा लेते थे। अभी से शोभा तक रहे कसम के साथ, आप देख सकते हैं बहुत मज़ा आ रहा है, यहाँ पे खा रहे हैं, पी रहे हैं, गाइस आज रात इधर ही हो क्योंकि कस्टमर वगैरह ने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि आज इधर ही हो क्योंकि बहुत टाइम हो गया इनके साथ शोगल वगैरह नहीं लगाया। तो आज बारबी की पार्टी वगैरह इनके साथ की है, सो बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे और आगे एंजॉय करते रहेंगे। कुछ चीजें बन के भी ये मुझे रोना आ गया, हो रही है आप देख सकते हो। सभी कसम के साथ बहुत ही शोगल लग रहे हैं यहाँ पे, कसम बहुत जबरदस्त मजा आ रहा है। बीच में कोई चबले मार रहे, पत्नी कोई क्या कर रहे, पर मजा आ रहा है। देखिए इसको देखिए गाइस, रात को कसम वगैरह के साथ एंजॉयमेंट होगी। सो अभी जा रहे हैं वापस घर गैरी। गाइस अभी जस्ट घर पहुँच गए, नहा के मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए, फ्रेश हो गया थोड़ा सा। और कल और आज का ब्लॉग इधर ही करते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।